जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तरी आयरलैंड के डुंगनॉन में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ लेकिन दिल हिंदुस्तानी था। सन 1895 में भगिनी निवेदिता की मुलाकात इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से हुई। विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे भारत आईं और वेदांत दर्शन और मानवतावादी शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुईं। भारतीयों के प्रति उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सोमवार को उत्तरी आयरलैंड के डुंगनॉन में प्रतिमा का अनावरण किया गया और एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। Sister Nivedita, who we know is not present in the statue or anything like that, but of course in Northern Ireland we are aware of people's sensitivities, and so we don't think that this to be idol worship or anything like that. It's just when you take a flower, you mentally can put it in your heart and think of Sister Nivedita, her ideal qualities, her love for humanity. सिस्टर निवेदिता अपने गुरु स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उस समय उतरी जब समाज के संभ्रांत लोग भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। ऐसे समाज में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना निवेदिता जैसी जीवट महिला के प्रयासों से ही संभव हो सका। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का समर्थन किया और उन्हें सहयोग दिया। भारत प्रेमी भगिनी निवेदिता दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भ्रमण के लिए दार्जिलिंग गई थी लेकिन वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंत में 13 अक्टूबर 1911 को 44 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।